तो सूर्य नमस्कार शुरू ही कर देते हैं। बच्चे सभी छोटे बड़े सब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई हैं। तो ये 12 अभ्यास बच्चों को 5 से 10 मिनट लगातार कराने चाहिए और उससे बच्चों की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला अभ्यास 1, फिर ये 2, आराम से बच्चे तो काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। 3 आगे झुक जाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये पहले धीरे फिर मध्यम गति से तेजी से कराएं। तो बच्चे जो बहुत चंचल होते हैं, बहुत हाइपर होते हैं, टिक करके बैठते नहीं, तो उनकी एनर्जी जो है वो राइट डायरेक्शन में लगने लगेगी। तो 5 मिनट ऐसे लगातार कराएं, पहले धीरे से, एक एक श्वास के नियंत्रण के साथ। जब आगे झुके तब श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। तो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं अभ्यास, तो उनको तेजी से करवाएं। जो बच्चे हाइपर होते हैं उनको धीरे धीरे नहीं, ऐसे ऐसे तेजी से करवाएं। स्वामी जी बच्चों को ये खेल लगेगा, 10 बार तक हो जाता और खेल खेल में 1 मिनट में ऐसे 10 बार तक करता हूँ स्वामी जी। हो सकता है बच्चों को ये खेल लगे और इसी खेल खेल, खेल, खेल में उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। तो ये एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, उसकी से एनर्जी के लिए, तो ये बहुत जबरदस्त है। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार ऐसे फास्ट करवाएं 5 से 10 मिनट। तो जो हाइपर बच्चे होते हैं वो इसे एकदम पता ही नहीं लगेगा कि कब वो शांत हो गए, और उनको भस्त्री का कपाल भाती, अनुलोम विलोम, तेजी से करवाओ। तो कहता ना, कांटे से कांटा निकलता है जी। स्वामी जी साथ ही आपने एक और संदेश दे दिया है। सूर्य नमस्कार तेजी से भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम कराएं। स्वामी जी एक और संदेश आपने साफ दे दिया है कि अगर बच्चों को करवाना है योग तो माँ बाप को भी करना पड़ेगा, तभी बच्चे करेंगे। ये तो जरूरी है। देखो मैं इन बच्चों के साथ खुद भी कर रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे जैसे इन बच्चों के साथ मैंने, मीनाक्षी जी ने पूरा किया, ऐसे सब माता पिता को बच्चों के साथ योग करना चाहिए। और उसी से ही योग करने का एक पूरा वातावरण भी तैयार होगा। एक अंतिम प्रश्न जो एपिलेप्सी के बारे में बार बार पूछा गया था, उसका भी मैं बता देता हूँ। ये भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत धीरे धीरे करने चाहिए, और मेधावटी के साथ साथ यदि किसी को उपलब्ध हो जाए तो जो पीपल की दाढ़ी होती है, एक तो बड़ की दाढ़ी होती है, एक पीपल में भी ऐसे दाढ़ी निकल आती है, उसको कोई मिल जाए कहीं से, तो प्रयास करने पर 10-20 पीपल खोजेंगे तो मिल जाएगी। तो उसका 5 ग्राम लेकर के उसको काढ़ा बना करके पी लिया, तो उससे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम पीपल की दाढ़ी का काढ़ा पीने से और मेधावटी लेने से, ये मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, और मिर्गी के दौरे के लिए जो फिर दवाई देते हैं उससे मेमोरी लॉस हो जाती है, डल हो जाती है मेमोरी, तो ये दोनों ही समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे मीनाक्षी जी। जी बाबा जी, आज का शो पूरी तरीके से बच्चों पर आधारित हमारा रहा। बच्चे और उनके माता पिता इस शो को बकायदा देख रहे हैं और रिएक्शंस लगातार हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर लाइव दर्शक हमें भेजते रहते हैं। ऐसे में आज उन सभी माता पिताओं के साथ ही बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है बच्चों से लेकर के माता पिता तक और जवानों तक भी,
संकल्प से सिद्धि का एक मंत्र मोदी जी ने भी अपनी सरकार को दिया और देश को भी दिया। हमारे योग में भी बहुत बड़ी भूमिका है संकल्प की, और मेरे तो जीवन का ही मंत्र रहा है, विकल्प रहित संकल्प और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो मैं सब बच्चों से कहूँगा कि छोटे छोटे व्रत लीजिए, उनमें से एक व्रत, एक संकल्प यह भी लीजिए कि मुझे कम से कम, परीक्षा का भी समय होगा तो मुझे कम से कम 10-20 मिनट योगाभ्यास जरूर करना है। यदि एक योग करने का सुबह सुबह व्रत ले लेंगे तो फिर जीवन के सारे काम अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी, हमारा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव भी अच्छा रहेगा, काम भी हम अच्छे से कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, जिंदगी में कभी घबराएंगे नहीं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन जीवन में आपको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो एक व्रत ले ले सब बचपन से ही कि मुझे योग करना है। मैंने 7 साल की उम्र में यह व्रत लिया था और मैं पिछले इसको 42-43 वर्षों से निभा रहा हूं। ऐसे में सभी से कहूंगा कि एक व्रत ले लें कि कुछ भी हो जाए सुबह सुबह योग करना है।